पर आज हम जो आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो अजीबो और गरीब है। और नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। अब तक आपने मोबाइल चोरी, डकैती, लूट, हत्या, अपहरण, मारपीट जैसे आपराधिक घटनाओं को लेकर थाने में आवेदन तो जरूर दिया होगा और FIR करने वाले लोगों को भी देखा होगा, लेकिन यह नहीं देखा होगा कि कोई चप्पल होने की रिपोर्ट, चप्पल चोरी की जो आवेदन थाने में दिया है उसकी चर्चा खूब हो रही है और सोशल मीडिया पर जितेंद्र का आवेदन खूब वायरल हो रहा है और जिसे लोग पढ़कर अपनी हंसी तो रोक ही नहीं पा रहे और साथ में इसको शेयर भी कर रहे हैं। आवेदन के विषय कॉलम में युवक ने लिखा है कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी चप्पल को चोरी करने के संबंध में। अपने आवेदन में जितेंद्र ने लिखा है कि मेरे घर से किसी मेरी चप्पल की चोरी कर ली है, यदि उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य जगह चोरी करके उस चप्पल को वहीं छोड़ दिया जाता तो उस मामले में मुझे फंसाया जा सकता है। जितेंद्र ने यह भी लिखा है कि मेरी चप्पल का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुचित प्रयोग किया जाने पर मैं जवाबदेही नहीं हूँ। शिकायतकर्ता का आवेदन मिलने के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि चप्पल की शिकायत लेकर थाना पहुंचने वाला शख्स जितेंद्र बगरी पेशे से किसान है, जो तरोत खाजरोत का रहने वाला है। उसके घर से ही चप्पल चोरी हो गई थी। उसने चप्पल का रंग और रकम का भी जिक्र अपने आवेदन में लिखा है। जितेंद्र ने कहा है कि उसकी चप्पल का रंग काला है जिसे और उसकी कीमत 180 रुपए है। पिछले महीने ही खरीदा गया था, जो गुरुवार की रात को अचानक से गायब हो गया। यदि उसके चप्पल का पहनकर कोई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता है तो उस चप्पल के आधार पर वह फंस सकता है। आज चप्पल की चोरी हुई है, कल घर के बाहर रखी फसल भी गायब हो सकती है। इसी आशंका को लेकर उसने थाने में लिखित आवेदन दिया है और FIR दर्ज करने की कार्रवाई में मांग की है। अब जितेंद्र का यह आवेदन जिसे उसने थाने में दिया है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और जितेंद्र की इस चप्पल चोरी का जो मामला पुलिस स्टेशन पे FIR लिखने के लिए वो गए हैं, तब से ये सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है और जितेंद्र काफी चर्चा है। मैं अब ये देखना लाजमी होगा किस तरीके से जितेंद्र की चप्पल मिलती है या फिर नहीं मिलती है और ये पूरी घटना क्या रूप लेगी। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप कशिश न्यूज देखते रहिए। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे आ देती हूँ। धन्यवाद।